3436 यस एट ऑल टाइम हाई एच एल ट्रेड करता हुआ उसके बाद मनापुरम गोल्ड दोनों कंपनियां यहां पर डे हाई पर आके ट्रेड करते हुए सिमेंस जो रोलोवर रिपोर्ट का जिक्र सुबह हुआ था दो परसेंट ऊपर फाइव फोर नाइन फोर एट ऑल टाइम हाई एच एल में शॉर्ट कवरिंग है ओ आई लूज हुआ है याद रखेगा सिमेंस सारे स्टॉक्स में ओ आई शेयर हो रहा है यानी शॉर्ट कवरिंग एज ऑफ नाउ स्विंग देती हुई उसके बाद रैम को सिवेंस पॉली कैब डेढ़ परसेंट की तेजी के साथ पॉली कैब अब ऑलमोस्ट इस दौर के हाईएस्ट क्लस्टर पे और उसके बाद जे एम आर ऊपर डेढ़ परसेंट और बी ई एल डेढ़ परसेंट ऊपर शानदार मूव अनुज ऑलमोस्ट स्ट्राइक करते हुए हम बाईस पाँच सौ वीरू बिल्कुल और ऑल टाइम हाई के भी काफ़ी करीब सिर्फ बाईस पॉइंट दूर हैं अब हम ऑल टाइम हाई से और देखते हैं लगना चाहिए इस बार

उट रैली बन रही है, नहीं है। इसका टू हंड्रेड एक्सपीरियंस एवरेज भी लगभग अराउंड 2100 के आसपास प्लेट है सो so, ट्रेडिंग के लिहाज से दो टारगेट होंगे इंट्राडे का होगा अराउंड 2040 का फोर टारगेट कांड्रेड खरीदारी करनी है दालमिया भारत के फ्यूचर में अन स्टॉपर ऑफ को लगाना है 1972 पर okay, ओके मैं डालबे भारत 1979 पे आपका बाय कॉल है अब चलते हैं चंदन जी के पास चंदन जी गुड मॉर्निंग आपका कन्विशन ट्रेड ओपनिंग के बाद गुड मॉर्निंग देखिए सबसे पहले तो नए हाई की बधाई बाजार ऑलमोस्ट नया हाई छूने के लिए तैयार है 22526 और अच्छी बात यह है कि थर्सडे को डिप आया था वो डिप के बाद के वापस सस्टेन कर रहा है तो कहीं ना कहीं हम तेबीस हजार के लिए तैयार हो रहे हैं स्टॉक वाइज बात करें तो काफी स्टॉक्स मैं यहाँ पे फोकस करना चाहूंगा जियो फाइनेंस पे जियो फाइनेंस पे एक कंसोल्टेशन ब्रेकआउट हुआ है पिछले बारह तेरह दिनों का ऑलरेडी हाई राइज हाइड लूज बन रहा है और आज हल्का सा फॉलो स्टॉक को पांच दस परसेंट की तेजी दिलाएगा तो खरीदारी की सलाह रहेगी तीन सौ साठ के आसपास खरीदे तीन सौ पचास का सपोर्ट और तीन सौ अस्सी तक के टारगेट यहाँ पे बनने चाहिए ओके चंदन जी की कॉल होगी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज याद रखिएगा इससे पहले भी जब बात हो रही थी एफ आई ट्वेंटी फाइव के कॉल्स की तब तो इसका जिक्र हुआ था स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर ये इसी समूह की कंपनी है जिसमें सम्मिलित एक कंपनी का भी देखने देख है, रहे हैं सी एन बी आवाज़ कृपया एक निजी राय ज़रूर सम्मिलित रखें जियो